बाबर आजम आजकल चर्चाओं में है। चर्चाओं में किस चीज़ को लेके हैं? उस चीज़ को लेके हैं जिसको लेके बहुत दिन पहले यानी कुछ दिन पहले आज से चर्चाओं में थे, और वो चर्चा की विषय बनी थी जो हमीज़ा मुख्तार नाम की एक लड़की थी वो बनी थी, जिसने बताया था कि बाबर आजम ने उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया है, प्रताड़ित किया, उनको मारा है। फिर एक बार वो चर्चाओं में है। चर्चाओं में किस चीज़ को लेके हैं? उनकी पर्सनल वीडियोज़ और चैट्स जो हैं वो वायरल हो गए इंस्टाग्राम पे। एक अकाउंट बनाया गया इंस्टाग्राम पे और उस अकाउंट पे इन सभी वीडियोज़ को, इन सभी फ़ोटोज़ को शेयर कर दिया गया है। चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं, इनके पर्सनल वीडियो शेयर किए गए हैं, उसके स्क्रीनशॉट शेयर किए गए हैं, और उस अकाउंट का नाम है ईशा राजपूत। अगर आप इस अकाउंट को देखिएगा तो ये कोई वेरीफाइड अकाउंट तो है नहीं, लेकिन इसके 500 फॉलोअर्स हैं और 2 फॉलोइंग हैं, और इस अकाउंट पे ही बाबर आजम से रिलेटेड ये सारी फ़ोटोज हैं वो शेयर किए गए हैं। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं बाबर आजम के ऊपर भी और इस सभी के सभी इंसिडेंट्स के ऊपर भी। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि क्या बाबर आजम ये चीज़ें जानबूझ के करते हैं, बार बार यहीं इन सभी चीज़ों में क्यों फंसते हैं? कुछ दिन पहले भी ये फंसे थे, एक बार फिर ये फंसे थे। कुछ दिन पहले जब ये फंसे थे, इनके ऊपर उस लड़की ने आरोप लगाया था कि बाबर आजम जब सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं थे तब वो उसके साथ रहा करते थे, जब ये सक्सेसफुल क्रिकेटर हो गए तो ये इसे अलग अलग जगहों पर रेंट के घरों में रखा करते थे। जब इन्होंने इसे अपनाने की बात की तो बाबर आजम ने इस बात को नकार दिया। अब इस चीज़ को लेकर फंसे हैं कि उन्होंने अपने ही साथी खिलाड़ी के किसी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी हरकतें की हैं, उसके साथ अश्लील चैटिंग की है, वीडियो कॉल्स किए हैं, उसको परेशान किया है, और उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं, कुछ वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर धीरे धीरे वायरल हो रही हैं और सबके पास धीरे धीरे पहुँच रही हैं। बाबर आजम के रिस्पॉन्स की बात करें तो अभी तक बाबर आजम की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया इस पूरे के पूरे इंसिडेंट्स को लेकर। लेकिन अब उनसे सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ भारतीय मीडिया ही नहीं, अलग अलग मीडियाज़ भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर ये सारी चीज़ें क्यों, एलिगेशन क्यों लग रहे हैं, आप ही के ऊपर ये एलिगेशन क्यों लग रहे हैं? अगर ये जो चैट्स हैं, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो वीडियोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं, उन तस्वीरों में, उन चैट्स में तो आप ही हैं, आप ही का चेहरा दिख रहा है, आप ही की लिखावट दिख रही है, तो अगर आप इसमें हैं तो आप इस बात को कबूल कीजिए कि आखिर वो कौन सी लड़की थी जिन्होंने इस चैट्स को लीक किया, किसके साथ आपने ऐसी बातें की थी, उसका नाम आगे आना चाहिए। उस साथी खिलाड़ी, जिस साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड के बारे में बताया जा रहा है, वो साथी खिलाड़ी कौन सा है? आखिर कौन सा प्लेइंग 11 का वो खिलाड़ी जिसके साथ बाबर आजम ऐसा कर रहे थे, किसके पीठ में छुरा घोप रहे थे बाबर आजम? इसके अलावा एक ये भी यहाँ पे सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं हनी ट्रैप का तो शिकार नहीं हो गए बाबर आजम? आजकल बहुत सारे ऐसे घटनाएँ हमें देखने को मिल रही है जिसमें लड़कियाँ लड़कों को फ़ोन करके, उनसे बातचीत करके, उनसे दोस्ती बना के उनको फंसाने की कोशिश करती हैं। वैसे ही फंसाने की कोशिश शायद बाबर आजम को भी की गई हो, या फिर बाबर आजम वैसी चीज़ों में फंस गए हों। बहरहाल अभी ऐसी तो कोई खबरें या फिर बातें या फिर बाबर आजम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स सामने नहीं आया है, लेकिन जैसे ही उससे रिलेटेड कोई खबर आती है, उनका रिस्पॉन्स आता है, तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे।